नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में अपराधियों के द्वारा गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में आज लोगों ने जमकर बवाल काटते हुए तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में आक्रोशित लोगों ने भगवानपुर थाना और पीएससी में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। वहीं लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। पिछले दिनों भगवानपुर थाना क्षेत्र के दहिया में बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी थी, जिसकी इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आज जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने थाने में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। वहीं पीएससी में भी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस मौके से फरार है। इसके पहले नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया था। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। इस दौरान पुलिस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि मृतक परिवार को उचित मुआवजा दे और अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, तभी यह आंदोलन खत्म होगा। हम लोग 5 बंदे थे, ठीक सर, घोड़ा जोड़ के बैठे थे वहाँ, और रंगबाज था, वो आया घोड़ा पे बैठने। हम लोग बोले जो काहे भाई आया, तुम लोग अथी हो, खच्चर हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो इतना ही बोला मेरे जीजाजी, ठीक है, और उन्हें थप्पड़ चलाने लगा। जीजाजी को थप्पड़ मार दिया रंगबाज। यही में जिसको गोली लगा वो गया, बोलने क्या जो भाई काहे यहाँ का दामाद के तुमने मारे हैं, बस इतना ही बोला कि वो काल के ठोक दिया राइफल। ठोक दिया? हाँ, राइफल। कितना के संख्या में था लोग? उलू कितना के संख्या में था? एक संख्या था नहीं, जो लोग गोली मारा एक ही था, एक ही बंदा। सुने है कि भाग गया, गोटी खा लिया था नशा वाला सर। अच्छा, नशा वाला। हाँ, कोई भी कितना भी दमक आदमी उसको धरता ना, उसको झाड़ देता, टाइगर था उसके पास। अच्छा, फिर हंगामा तुम लोग क्यों किया है? हंगामा हम लोग नहीं सर, पब्लिक लोग किया। क्यों किया? और उसके बाद भीड़ का एक हिस्सा यहाँ गेट पे आ गया और उन्होंने यहाँ पे जो कुछ गाड़ियाँ उनमें तोड़फोड़ की। उसके बाद तुरंत यहाँ पे जो हमारी रिजर्व फोर्स थी वो पहुँच गई और स्थिति को काबू में किया। और वीडियो फुटेज जो यहाँ पे हम लोग को मिला है, उसमें 2-3 लड़के क्लियर कट आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो उन पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया गया है। और यहाँ पे रिजर्व फोर्स भी है, जो कि अभी यहाँ पे स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है, सामान्य है, और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए SHO को आदेश दे दिया गया। ये ऐसी बात नहीं है, कल जब इन्होंने रोड जाम किया था तो पुलिस के वरीय अधिकारी यहाँ पे आए थे और प्रशासन के भी लोग थे, उनको समझाया गया था, वो मान भी गए थे। उनको मुआवजा देने का भी जो प्रक्रिया है वो भी किया जा रहा था, और आज भी जब वो लोग बैठे हुए थे तो सेम बातों के लिए ही बैठे हुए थे। इसमें और भी ज़्यादा मुआवजा देने का प्रावधान है, चूँकि SC ST एक्ट में FIR दर्ज हुई है, तो उसके लिए प्रक्रिया की जा रही थी। लेकिन जो हम लोग को पता चला है वहाँ पे कैमरा देखने से ब्लॉक के ऑफिस के पास में, कि कुछ बाहर के लोग असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल थे और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के भीड़ को बरगलाया है, और उसी में कुछ महिलाओं ने आके यहाँ पत्थर चला दिया है। लेकिन तुरंत पुलिस पहुँच गई थी, स्थिति काबू में है, सामान्य है, और जिन लोगों ने बदमाशी की है, जिन लोगों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की है, सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और सभी पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। कारण क्या सामने आया अभी तक? कारण देखिए, ये तो जिन्होंने उकसाया है उनसे पूछताछ करके ही पता चलेगा, और जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनसे ही पूछताछ की जाएगी। गोली मारने का कारण क्या है? देखिए, जो 2 दिन पहले हत्या हुई थी उसमें FIR दर्ज हो गई है। उसमें मेन बात ये थी कि जो इसमें मृतक था वो लोग बैठ के आग ताप रहे थे, और जो अभियुक्त है वो बगल से गुजर रहा था। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, बहस हुई, और उसी में प्रतिशोध में आकर के उसके हाथ में पिस्टल था, उसने ये गोली मार दी। तो ये एक प्रकार का आपसी रंजिश आप इसको कह सकते हैं, इसमें और कोई और दूसरा मोटिव नहीं सामने आया है। तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। STPO टेंगड़ा के नेतृत्व में विशेष टीम बनी हुई है, उस व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है जिसने गोली मारी थी, और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उस व्यक्ति पे की जाएगी। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।